गेम पलटी होने के लिए ही लगता है ये स्कैम चला रहे हैं। अभी देखो, साउथ अफ्रीका से वायरस आया, बोलता है इंडिया का क्रिकेट टीम भेजा है उधर, क्रिकेट खेल रहा है बिना मास्क पहने। तो क्या क्रिकेट खेल रहा है इसलिए वायरस इधर आता है और ऐसा चला जाता है? क्लियर कट ये सब एक्सपोज कर रहा है कि सरकार कितना झूठ बोल रही है, बोलती है। और ये जो पॉलिटिशियंस है, जो लीडर्स है, वो कुत्ते हैं। मोती छू बोलेगा तो ऐसा लगे क्या हुकुम है, मतलब ऐसा जो बॉल डालता है ना कुत्ते को, फिर कुत्ता मुंह में पकड़ के लेके आता है, वैसा ही चल रहा है। ये लोग को बोलते हैं मोती छू, तो मोती छू बोल के ये लोग को स्क्रिप्ट देते हैं और ये स्क्रिप्ट आके इधर सुनाते। यू कैन क्लियरली सी दे आर ब्रेनलेस पपेट्स जो सत्ता में बैठे, या अपने को ब्रेनलेस पपेट समझते हैं। अभी क्रिकेट टीम उधर भेजा है, काय को भेजा? वायरस है उधर तो काय को भेजा? और तुमको बोल रहा है घर से बाहर मत निकलो, दुकान बंद करो, नाइट का कर्फ्यू लगाया है, और इंजेक्शन लो ही, छोटे बच्चे को भी इंजेक्शन देंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका का बहुत खतरनाक वायरस है, और बिना इंजेक्शन लिए किधर जाने नहीं सकते। तो इतना लेवल का चल रहा है ये। बेसिकली ये जो इवेंट है ये करप्शन और बेवकूफ़ी एक्सपोज कर रहा है। कोई भी सोच नहीं सकता था कि इतना लेवल पे कंट्रोल चलता है। केजरीवाल भी मुझे अच्छा लगा था कि थोड़ा आईएएस है, कुछ रहेगा, बट वो भी दल्लू मोती छुई निकला। उसको भी स्क्रिप्ट देते बक तो बक देता है, दुकान बंद करो, अभी ट्रेन में 50% कैपेसिटी से चलो, चालू हो गया उसका भी। एक एक चीफ मिनिस्टर वैसा ही है, सारे मंत्रिमंडल सब वैसे ही, एक ही बात बोलते। लगता है ये लोग का इलेक्शन जीत जाने के बाद इनका दिमाग का सर्जरी होता है, चिप डालते हैं और एक लिमिटेड अपोजिशन एक दूसरे को गाली देते हैं ऐसा ही, बट सब जन जो डीप स्टेट चाहता है वही बोलते हैं, टोचन लगाओ, घर के बाहर मत निकलो। ये कैसा लगता है? अभी एक मेरा दोस्त को बोला मैंने कि सब कंट्रोल्ड है, वो बोला सोसाइटी में एक पॉइंट पे सब लोग एग्री नहीं होते, और इतना वर्ल्ड लेवल पे एक पॉइंट पे सब एग्री कैसे हो गए? यही तो कमाल का गेम है जो एक्सपोज हुआ है। देखो, अगर सच में कुछ होता, प्रधानमंत्री घर के बाहर नहीं निकलता था, छुप के बैठता था अंदर बंकर में जाके। शादी ये लोग का होता है, 1000-2000 पब्लिक रहता है, बिना मुंह पे चड्डी पहने नाच गाना होता है। इनको मालूम है कि कुछ नहीं है, और तुम्हारे लिए घर पे बैठो। तो ये लोग पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं शायद, कि कुछ भी एक्सपर्ट्स हैं उसे कुछ भी स्टोरी बना के सुना डालते हैं। ये लेवल का जो एक्सपोजर है वो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक भी अंधी है, सामने दिख रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं कि कोई कंस्पिरेसी थेरी, चूतिया लोग गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोर्सेस पूछते हैं और तुम्हारे पास क्या सबूत है? अरे दिख रहा है ना भोसड़ी के सामने, देख ओपनली चल रहा है ये सब कुछ, अभी इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि ये लोग का शादी होता है तभी मुंह पे चड्डी नहीं पहनता है और तुमको बोलता है एक लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी का जितना मेंटेन करो दूरी, तो दिख नहीं रहा है क्या चल रहा है।